वृद्धि एवं परिवर्धन। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल तना पत्तियां फूल तथा बीज जैसे संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती हैं, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से? अब आप बीज पौधा, नव अंकुरित पौधा, पादप छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्द से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई तथा गोलाई चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी पत्ती वृक्ष की पत्तियां फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समय अनुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया काय की वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधों की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होती हैं। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनाएं तथा एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि और विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक, एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। चित्र 15.1 पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो बीज अंकुरित हो जाता है, और इसी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्त काल में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं, तब बीजों में उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती हैं तथा वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। बीज पत्रिका, अंकुश, बीजावरण, मिट्टी की रेखा, बीज पत्र और बीज पत्र धार, बीज पत्र धार। ये प्रदर्शित चित्र सेम में अंकुरण के नवोद्भिद का परिवर्धन वृद्धि वृद्धि एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या उसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार पर अनिवार्यतः अनपलट अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं, उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसीलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालते हुए फै डाल डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? पाद वृद्धि प्राय अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है, क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। उस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभाज्य ऊतक, मेरिस्टेम ऊतक की उपस्थिति होती है। ऐसे विभाज्य तकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशास्तुता निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जो विभिन्न कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं, वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां तक विभाज्य ऊतक की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभाज्य ऊतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता
है। आपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र विभाज्योतक तथा परो शिखाग्र विभाज्योतक की वृद्धि के विभाज्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। बीजीय पत्रियम नग्न बीजीय पौधों में पार्श्व विभाज्योतक संवहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम जीवन के बाद में प्रकट होते हैं। ये विभाज्योतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। चित्र 15.2 में दिखाई गई है। परोह अग्र अस्त विभाज्योतक, परोह सम्मोहनी कैम्ब्रियम और मूल सम्मोहनी कैम्ब्रियम, मूल अग्र अस्तक विभाज्योतक दिखाई गई है। मूल अग्रस्तक विभाज्योतक, परो अग्रस्त विभाज्योतक तथा सम्मोहनी कैम्बियम का एक निरूपण है। कोशिका और वृद्धि की दिशा को दिखाते हुए तीर का निशान दिखाया गया है। ये तीर दिखाई गई है बीच में वृद्धि माप योग्य कोशिका। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसीलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के के मूल शिखाग्र विभाज्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के की आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जब बाद वाले में वृद्धि की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक पराग नली की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि चरण वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभाज्योतकीय, दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। चित्र 15.3। आओ हम इस मूलाग्र को देखकर समझे। विभाज्योतकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा परो शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों को कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलॉजिक होती हैं। विभाज्योतक क्षेत्र में समीपस्थ ठीक। चित्र 15.3। दीर्घीकरण क्षेत्र की पहचान समानांतर रेखा तकनीकी द्वारा क्षेत्र अ ब स द जो शीर्ष के पीछे सबसे ज्यादा दीर्घकृत हुई हैं अ ब स, उसके बाद द य र ल व को दिखाया गया है। ठीक अलग नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसी चरण में कोशिकाओं का बढ़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे तथा दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के कारण में जो रहा होता है। इसी परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिका अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होती हैं। अध्याय 6 में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया है वे इसी चरण की प्रतिनिधित्व करती हैं। वृद्धि दर समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से चित्र 15.4 व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीके से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता
है अंकगणितीय और ज्यामितीय, अ वाले में ब वाले में दिखाई गई हैं युग्मनज विभाजन, ज्यामितीय अवस्था सभी कोशिकाओं में विभाजन, अंकगणितीय अवस्था। नीले वाले विभाजक में सामर्थ्य कोशिकाएं और हल्के कलर वाले विभाजित होने में असमर्थ कोशिकाएं हैं। अ वाले में अंकगणितीय और ब वाले में ज्यामितीय वृद्धि को दिखाई गई है। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन केवल एक पुत्री कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो जब एक दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती हैं तो अंकगणितीय वृद्धि एक सरल अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में देख सकते हैं। चित्र 15.5 को देखें जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। हमें इस गणितीय रूप को इस प्रकार चक्र कर सकते हैं LT = L0 + RT जहाँ LT टाइम टी के समय लंबाई है, L0 टाइम शून्य के समय लंबाई है, R वृद्धि दर का दीर्घीकरण प्रति इकाई समय है। आइए अब देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणाली में प्रारंभिक वृद्धि लैंग फेस धीमी होती है और इसके यह इसके बाद तीव्र गति से चार घातांकीय दर लाग या चर घातांकीय चरण में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजन होने पर लगातार ऐसा करते रहने के काबिलियत बनाए रखती हैं। हालांकि सममित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिति चरण को चरण की ओर बढ़ती जाती हैं। यदि हम समय के वृद्धि माप प्रतिवृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस वक्र पाते हैं। चित्र 15.6 एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं उत्तकों एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चार घातांकी वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है W1 = WERT। W1 बराबर अंतिम आकार भार ऊंचाई संख्या आदि, W0 प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, आर वृद्धि दर, टी समय में वृद्धि, ई स्वाभाविक लघु गणितीय का आधार जहां आर एक सापेक्षिक वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। चित्र 15.5 नियत रेखीय वृद्धि लंबाई और समय के विरुद्ध आलेख समय और पादपों की ऊंचाई में वृद्धि दिखाई गई है। आग्रामी प्रावस्था, घातांकी अवस्था, अंग का आकार या भार, समय। एक आदर्श सिग्मायड वृद्धि वक्र संवर्धनीय कोशिकाओं एवं उच्च पादपों और पादप अंगों के लिए प्रारूपिक है। ओवन 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर और बवन माने 55 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि दर और ब पंक्तियों को देखें। दोनों के अपने क्षेत्र दिए हुए समय में और ब पंक्ति बनाने के लिए समय सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा लिए हैं जिसे एक दक्षता सूचक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणालियों की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीके से की जा सकती है। पहला मापन और प्रति यूनिट टाइम्स की कुल वृद्धि की तुलना जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण के लिए प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। देखें चित्र 15.7 जहां दो पत्तियां और बस विभिन्न आकारों की दिखाई गई हैं लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है फिर भी
उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है, यह कौन सी है और क्यों? वृद्धि की दशाएं, वृद्धि के लिए दशाएं, आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचय ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधे द्वारा पोषकों स्थूल एवं सूक्ष्म आवश्यक तत्व की आवश्यकता, जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का बिलगांव उसकी उत्तर जीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। विभेदन, निर्भेदन और पुनर्विभेदन, मूल शिखाग्र विभाज्य योतक तथा परो शिखाग्र विभाज्य योतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं या परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती हैं। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। उदाहरण स्वरूप एक वाहकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिगनो लोलिसिक कास्ट कोशिका साधनी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती हैं, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती हैं तथा आप पौधों के शरीर की विभिन्न संरचनात्मक विशेषताओं एवं उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदी कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापुलीय वाहिकीय कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम निर्विभेदित कोशिकाओं उत्तकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्यों में संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती हैं। एक काष्ठीय बीज द्विबीजपत्री पादप के कुछ उत्तकों की सूची बनाइए जो पुनर्विभेदित के उत्पाद हों। आप अरुगूद का कैसे वर्णन करेंगे? आप उस मृदुतक कोशिका को जिस प्रयोगशाला में नियंत्रित क्षेत्र में पादप उत्तक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा हो उसे क्या कहेंगे? अनुभाग 15.11 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधे की वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभाजी उत्तक से पैदा हुए उत्तक कोशिकाएं परिपक्व होने पर विभिन्न भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। कोशिका उत्तक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभाज्य उत्तक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिकाओं के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय और वलय की ओर ढकेल दिया जाता है वायु त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। क्या आप उन्मुक्त विभेद का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान के संबंध को दर्शाता हो? परिवर्धन, परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजाणुकरण तथा जरावस्था के बीच आते हैं। चित्र 15.8 में उच्च कोशिका विभाजन विभाज्य युतक प्लाजोमेटिक वृद्धि विभेदन
दीर्घीकरण, दीर्घीकरण, परिपक्वता और मृत्यु। मृत्यु में जरावस्था परिपक्व कोशिका से होती है। एक पादप कोशिका की विकासात्मक प्रक्रम का अनुक्रम दिखाया गया है। पादपों की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों, अवयवों, अंगों पर लागू होती है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्क इस पर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था में एक परिपक्व अवस्था में भिन्न होती है। दूसरी तरफ बटर कप में पत्तियों एवं आकार अवयव भागों में अलग होते हैं। चित्र 15.9 विषमपणता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्यता का एक उदाहरण है। तरुणा प्रौढ़ अवस्था, अवाले में पार्थिविक अवस्था, पार्थिविक आवास और जलीय आवास, बवाले में लार्क इस पर ओम एवं बटर कप का विषमपणी चित्र दिखाई गई हैं। अतः एक पौधा के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाले घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतर कोशीय, अनुवांशिक तथा अंतर कोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक विशेषताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संघटनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3-एसिटिक अम्ल, एडीनिन व्युत्पन्न, फार्प्यूरिल एमिनो, प्यूरिन, काइटिन, काइटिन, केराटिनॉयड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न, एसिटिक एसिड ए बी ए, टर्पिक जिबरेलिक एसिड या गैसस एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में वृद्धि, पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधों में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक अनुवर्तनी वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है जैसे कि ऑक्सिंस, जिबरेलिंस तथा साइटोकिनिंस। उनके समूह के दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि वाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति एवं बी लग्न में भी शामिल होते हैं। एबीसीटिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलाप में आता है। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। रोचक बात यह है कि PGR के पांच प्रमुख समूह में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुआ जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्राकुल चोल कोलियोपटाइल एक पार्श्वीय प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि, प्रकाश
अनुवर्तन करता है। प्रयोग की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकला गया कि प्रकूर्प चोल की नोक संचरण यह प्रवाह की जगह है जो संपूर्ण प्रकूर्प चोल के मुड़ने का कारण है। चित्र 15.10 ऑक्सिन 15.10 में प्राकुर चोल का अग्रभाग पादप वृद्धि नियामक ऑक्सिन का उद्गम दिखाया गया है। अ ब स और द में ये ऊपर वाली स्थिति बदलती हुई दिखाई गई है। ऑक्सिन की खोज एफ डब्ल्यू वेंट वेंट के द्वारा जई के अंगूर के प्रकुल चोल शिखर से की गई है। बेकेन फुलिस सीडलिंग धान के पौधे नौदोभिद की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिब्रेला फुजिकोराई के द्वारा होती है। इकुरोसोवा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौधों में रोग लक्षण को बताया जब उन्होंने कवक के जीवाणुहीन निस्यंदों फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्वों की पहचान के बाद में जिब्रेलिक अम्ल के रूप में हुई। एफ स्कूग तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के अंत पार्व इंट्रानोडल खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरता हुआ जब ऑक्सिन के अलावा मीडियम में वाहिक ऊतकों के सात्व या इष्ट सात्व या नारियल दूध या डीएनए पूरक रूप से दिया गया। मिलर एंड ऑल ने 1955 ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिक नाम दिया। 1960 के मध्य में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से तीन तरह के निरोधक की शुद्धिकरण तथा उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। ये निरोधक भी लग्न सेकंड एवं डोरमीन हैं। बाद में ये तीन रासायनिक रूप से समान पाए गए। इनका नामकरण एब्सिक एसिड के रूप में किया गया। एच एच किंस 1910 ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केले को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह निष्कर्ष यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया जो एक गैसीय पीजीआर है। आइए अब हम इन पांच तरह के पीजीआर के कार्य प्रकार को अलग भाग में अध्ययन करते हैं। पादप वृद्धि नियामकों की कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव ऑक्सिन ऑक्सिन्स ग्रीक शब्द ऑक्सीजन बढ़ना सर्वप्रथम मनुष्य की मूत्र से निकाला गया। बाद में ऑक्सिन्स इंडोल 3 एसिटिक अम्ल AIAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशील वाले भाग में जाता है। ऑक्सिन्स जैसे IAA तथा इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधों से निकला गया है। NAA नेफथेलिन एसिटिक अम्ल तथा 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सिन एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सिन्स है। ऑक्सिन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती के प्रयोग किए गए हैं। ये तने की कटिंग कालमों में जड़ फूटने रूटिंग में सहायता करते हैं जो पादप प्रवर्धक में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ावा देती है जैसे अनानस में ये पौधों की पत्तों एवं फलों की शुरुआती अवस्थाओं में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों को फलों के विलग्न को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती है अग्रअस्थ कलिका पार्श्व कक्ष अस्थ कालिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करती है जिसे शिखाग्र प्राधान्यता एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। परो सिर को हटाने सिर छेदन से प्रायः पार्श्व कालियों की वृद्धि होती है। देखें चित्र 15.11। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़ बनाना हेज मेकिंग में लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों इसके
साथ ही ऑक्सिन अनिष्क फलन को प्रेरित करता है। जैसे कि टमाटर में इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्रीय खरपतवार का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करता है। चित्र 15.11 और ब में दिखाई गई हैं। ये पौधों पादपों में शिरस्त प्रभावित और अग्रस्त कालिका की उपस्थिति कक्षस्थ कालिका में वृद्धि को रोकती है। ब में अग्रस्त कालिका की लंबवत काट कक्षस्थ कालिका से छत्रक हटाने के बाद शाखाओं के रूप में वृद्धि। जिम्बोरेलिंस एक अन्य प्रकार के प्रोत्साहन PGR है। 100 से अधिक जिम्बोरेलिंस की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों से। इन्हें G1, G2, G2, G3, G3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA3 और जिम्बेरलिंस है जिसका सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAS अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कायिकीय अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाने वाले जिम्बरलिंस सेव जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप ले सकें। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहें सकें और बाजार में मिल सकें। GA3 को यानी शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट, चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिम्बरेलिंस छिड़काने पर तने की लंबाई बढ़ती है, जिससे 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़काने पर किशोर शंकु वृक्षों की परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्द ही तैयार हो जाता है। जिम्बरलिंस चुकंदर, पत्ता गोभी तथा अन्य रुइजेटी स्वभाव वाले पादपों में विल्टिंग पुष्पन से पहले अंतः पर्वक का दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है। साइटोकिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकिनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन में डालता है और इसे काइनेटिन एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। साइटोकिनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अस्थि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन के खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकिन्स तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहन पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकिन्स उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील पर्वकालिकाएं तथा तरुण फल आदि। यह नई पत्तियों में हरित लवक पार्श्व पर्व वृद्धि तथा अपस्थानीय पर्व संरचना में मदद करता है। साइटोकिन्स शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा मिल दिलाता है। ये पोषकों के संरचना संचरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। एथिलीन एक साधारण गैसीय PGR है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधों को अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि अक्षों में फुलाव एवं द्विबीजीय नदोभिद्दों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं बी लग्न को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकने में बहुत प्रभावी है। फलों को पकाने के दौरान यह शोषण की गति की वृद्धि कर देती है। शोषण वृद्धि
में गति की इस बढ़त को क्लाइमेटिक शोषण कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कालिका प्रसूति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृत्त को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा परों के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोम को प्रोत्साहित करती है तथा पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन अनेक कायिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करता है अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली PGR है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली यौगिक एथिफान है। एथिफान जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधों के अंतर्गत संचरित होता है यह तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त कराता है। एथिफान टमाटर एवं सेब के फलों को पकाने के गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों में बीज लगने की तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी तथा अखरोट में विरलन यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। एब्सिसिक एसिड, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एब्सिसिक एसिड ABA की खोज बी लग्न एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे PGR की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरा को प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि एवं पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। ABA बीज के अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्र के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA GAS के लिए एक विरोधक ही भूमिका निभाता है। हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य PGR कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। ये भूमिकाएं वैयक्तिक या निजी या योग्यवाही हो सकती है। इसी तरह पौधों के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज्यादा PGR मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या काली का प्रसुप्तिकरण, विलग्न, जरा अवस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। PGR की भूमिका एक तरह की आंतरिक नियंत्रण में है। याद करें जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारकों के साथ ही ये पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन को PGR के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं का उदाहरण है बसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तिकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारक हैं के पुष्पन आरंभ करने की भूमिका को पढ़ेंगे। दीप्तकालिता, ऐसा देखा गया कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित प्रवृत्त करने में प्रकाश की नियत कालिकता की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे प्रकाश की नियत कालिकता की अवधि को माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पौधे में क्रांतिक अवधि से ज्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए जिससे कि दोनों तरह के पौधे में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम की तरह पौधों के समूह को अल्प प्रदीप्तिकाली पौधा कहते हैं तथा बाद वाले पौधे को दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं
होता है। ऐसे पौधे को तटस्थ प्रदीप्तिकाली पौधा कहते हैं। चित्र 15.12। यह अभी ज्ञातव्य है कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। अतः कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अधिक अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्षिक अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालिकता कहते हैं। यह भी बहुत मजेदार बात है कि तने का शीर्ष अस्त कालिका पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्ष अस्त कालिका में बदलती है, परंतु वे तने का शीर्ष अस्त कालिका खुद से प्रकाश कला को नहीं महसूस करती हैं। प्रकाश कला को नहीं महसूस करती हैं। प्रकाश अंधकार ऊपर ऊपर पुष्पन पुष्प नहीं। कायिका परिपक्वता के बाद पुष्पन, क्रांतिक दीप्तिकाल नीचे पुष्पन, क्रांतिक दीप्तिकाल नीचे पुष्पन नहीं। दीप्ति दीर्घ प्रदीप्ति काल काली पौधा, अल्प प्रदीप्ति काली पौधा, दिवस निरपेक्ष पादप, दीप्ति काली के दीर्घ प्रदीप्ति वो काली, अल्प प्रदीप्ति काली एवं दिवस निरपेक्ष पादपों का ये दृश्य दिखाई गई है। काल का अनुभव पत्तियां करती हैं। परिकल्पना यह कि हार्मोनल तत्व फ्लोरिजन पुष्पों के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजन पत्तियों से तना कलिका एवं पुष्पन प्रेरित करने के लिए भी तभी जाती हैं जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्ति काल में अनावृत होते हैं। वसंतीकरण कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक एवं मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व न हो जाएं। वसंतीकरण कम ताप काल में मनुष्य के प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई की दो किस्में होती हैं। जाड़े तथा बसंत की किस्में, बसंत की किस्में साधारणतः बसंत में बोई जाती हैं जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती हैं। जाड़े की किस्में यदि बसंत में बोई जाती हैं तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होती हैं और न फलती हैं, इसीलिए वह शरद काल में बोई जाती हैं। ये अंकुरित होते हैं और नवोदभिद के रूप में जाड़े को बिताते हैं। फिर बसंत में फूलते और फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधों के एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतः दूसरे मौसम ऋतु में फूलते व मारते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तकालिका के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। बीज प्रसुप्ति कुछ बीज ऐसे भी हैं जो बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ऐसे बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं जो बाह्य वातावरण से नियंत्रित नहीं होते, वरना बीज के आंतरिक परिस्थितियों के नियंत्रण में होते हैं। पारगम्य एवं दृढ़ बीजावरण एब्सिक्सिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, पैरा एस्कर्बिक अम्ल जैसे रासायनिक निरोधक की उपस्थिति तथा अपरिपक्व भ्रूण जैसे कुछ कारणों से बीज प्रसुप्ति होती है। प्राकृतिक तरीकों एवं अन्य कृत्रिम उपायों से इसे हटाया जा सकता है। उदाहरणतः बीजावरण के अवरोध को चाकू, सैंड पेपर जैसे यांत्रिक अपघर्षण तथा तीव्र हलन द्वारा हटाया जा सकता है। प्राकृतिक में यह अपघर्षण सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया द्वारा अथवा जंतुओं के पाचन नाल से होकर गुजरने से हो सकता है। निरोधकों के प्रभाव को द्रुत शीतन, चिलिंग परिस्थितियों अथवा जिब्रेलिक अम्ल एवं नाइट्रेट के उपयोग द्वारा हटाया जा सकता है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि प्रकाश तथा तापक्रम, ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें बीजों की प्रसुप्ति हटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सारांश, किसी भी जीवित प्राणी की वृद्धि एक अत्यंत उत्कृष्ट घटना है। एक
यह एक अनपलट बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रकट होने वाली है, जैसे कि आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका संख्या आदि। इसमें बढ़ा हुआ जीव द्रव्य पदार्थ शामिल है। पौधों के में विभाजियों तक मेरी स्टेम वृद्धि की जगह होती है। मूल शिखाग्र विभाजियों तक तथा परो शिखाग्र विभाजियों तक के साथ है, कई बार अंतर्वाहिकीय विभाजियों तक पौधों के अक्ष की दीर्घगामी वृद्धि में भागीदार करते हैं। उच्च पेड़ों में वृद्धि अनियमित होती है। मूल शिखाग्र एवं परो शिखाग्र में कोशिका विभाजन का अनुपालन करते हुए वृद्धि अंकगणितीय एवं ज्यामितीय हो सकती है। कोशिका ऊतक अंग जीवों में वृद्धि दर सामान्यतः पूरे जीवन काल में उच्च दर पर नहीं टिकी रहती है। वृद्धि को तीन प्रमुख चरणों लैग, लांग तथा जरावस्था में बांटा जा सकता है। जब कोशिका अपनी विभाजन क्षमता खो देती है तो यह विभेदन की ओर बढ़ जाती है। विभेदन संरचनाएं प्रदान करता है जो उत्पाद की क्रियात्मक के साथ जुड़ी होती हैं। कोशिकाओं उत्तकों तथा संबंधित अंगों के लिए विभेदन के लिए सामान्यतः नियम एक समान होते हैं। एक विभेदित कोशिका फिर भी विभेदित हो सकती हैं या फिर पुनः विभेदित हो सकती हैं। पादपों में विभेदन चूंकि खुला होता है अतः परिवर्धन लचीला हो सकता है। दूसरे शब्दों में परिवर्धन वृद्धि एवं विभेदन का योग है। पादप वृद्धि एवं परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतरकोशीय या आंतरिक कारकों रासायनिक तत्व तो होते हैं जिन्हें पादप वृद्धि नियामक PGR कहा जाता है। पौधों में PGR के विभिन्न समूह होते हैं जो मुख्यतः पांच समूहों के नाम से जाने जाते हैं। ऑक्सिनिस, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एसबिसिक एसिड तथा एथिलीन। ये PGR पौधे के विभिन्न हिस्सों में उत्पादित किए जाते हैं। ये विभिन्न विभेदन एवं परिवर्धन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। कोई भी PGR पादपों के कार्यिक पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रभाव विविध प्रकार की PGR से प्रकट होते हैं। ये PGR सक्रियाशील, योग्यवाही तथा प्रतिरोधात्मक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्रकाश, तापक्रम, ऑक्सीजन स्तर, गुरुत्व तथा अन्य ऐसी ही बाहरी घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। कुछ पादपों में पुष्पन दीप्तकालिकता पर निर्भर करता है। दीप्तकालिकता के आधार पर पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे, दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे एवं तटस्थ प्रदीप्तिकाली पौधे। कुछ पौधों का कम ताप से अनावृत करने की जरूरत होती है ताकि वे जीवन के अंत में पुष्पन कर सकें। इसे ही वसंतीकरण कहते हैं।